मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन के जीवन से संबंधित विषय लेता हूं मनन चिंतन के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार। कई लोग इस दुनिया में अपने जीवन में अटके हुए महसूस करते हैं, यानी फंसे हुए महसूस करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पीछे हट नहीं पाते हैं, अटके हुए, अंग्रेजी में कहा जाता है स्टक, फंसा हुआ। नौकरी ढूंढते 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 थक गए, कुछ नहीं होता है। पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन बनता नहीं है, सफलता नहीं मिलती है, फंसा हुआ है। एक गंदे रिश्ते से दूसरे गंदे रिश्ते में चला जाता है, फंसते जाता बच नहीं पाता है। नशे की आदत हो गई है, नशे से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करें बाहर आ नहीं पाता है, फंसा हुआ है। परिवार में जो व्यवसाय है, धंधा है या काम है, आगे बढ़ता नहीं है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ता है। एक के बाद एक बीमारी आ जाती है परिवार में, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद दूसरे को बीमारी, या अपने शरीर में एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, या परिवार में कोई मानसिक रोगी है, अगली पीढ़ी में भी कोई मानसिक रोगी है, परिवार में दो तीन व्यक्ति मानसिक रोगी हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं जिस परिवार में जवान औरत है, उसके चार पांच बच्चे हैं, यहां पे साधना में भी आए करते थे प्रार्थना में, तीन बच्चे मानसिक रोगी हैं और ये सिलसिला जारी है। कई परिवारों में, कई लोगों के व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का अनुभव होता है, स्टक यानी फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, अटका हुआ है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थिति में लोग उपाय ढूंढने लगते हैं और यहां तक कि विश्वासी भी अंधविश्वास में चले जाते हैं और उन उपायों का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, तब भी फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह हैं, क्या करेंगे। यौहन के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु येसु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र कौन है? प्रभु येसु, ईश्वर का पुत्र। येसु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यौहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में यौहन कहते हैं कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु येसु स्वयं यौहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसीलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति पाए। प्रभु येसु स्वयं कहते हैं कि वो इस संसार में क्या के लिए आए? मुक्ति देने, बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं, ऐसी अवस्था से लोगों को बाहर लाने के लिए आए हैं, छुटकारा देने के लिए आए हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु येसु कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ दिया जाएगा। येसु कहते हैं कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा, और येसु यही कार्य करने के लिए आए इस दुनिया में। पिछले करीब 30 वर्षों से मैं आध्यात्मिक सेवा में लगा हुआ हूं, मैंने देखा हजारों की संख्या में लोग बंधनों से आजाद हुए हैं, ऐसी कटु परिस्थितियों से बाहर आए हैं, और किसने बाहर लाया? येसु ने। कितने शराबी और नशेड़ी हमारे आश्रम में ही छुटकारा पाए हैं, दर्जनों। कितने अबदूत ग्रस्त हमारे आश्रम में छुटकारा पाए हैं, अबदूत ग्रस्त। पहले जब प्रार्थना चलाता था उस समय इतने सारे अबदूत ग्रस्त हुआ करते थे, झूमते थे, बड़ा मुश्किल होता था प्रार्थना चलाना। एक एक करके प्रभु ने छुटकारा दिया, ये मेरा अनुभव है। हजारों की संख्या में लोग अपने जीवन में येसु के द्वारा ये सामर्थ्य पाते हैं। प्रभु येसु ने स्वयं
अपने बारे में कहा है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में आपने उसको बार बार सुना है, शायद आप कंडस भी किए होंगे। यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्या के लिए? उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। यीशु अपने जीवन के बारे में और अपने सेवा कार्य के बारे में कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे इसीलिए अभिषेक दिया है ताकि मैं ये कार्य करूं, बंदियों को आजाद करूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, ये मेरा काम है। प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं, ये मेरा काम है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में प्रभु यीशु को ईश्वर ने पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। यीशु ने किया और यीशु ये करते हैं। हमें बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में। एक अब्दूत ग्रस्त के बारे में यहां पे लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या वर्णन दिया गया है। वचन में लिखा हुआ कि वे समुद्र के उस पार गरेसियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अब्दूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। कहां रहा करता था? मकबरों में रहा करता था। बताइए, कब्रिस्तान में कोई रह सकता है? वो मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। यह एक इंसान है, इंसान का वर्णन है। कितनी दयनीय अवस्था है, बंधनों में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने उसे पूछा, उससे कहा कि बाहर आ जाओ। प्रभु ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, हम सेना हैं, हम बहुत हैं। एक इंसान जिसके अंदर अवधूत थे और अवधूतों के वश में था, उसकी क्या दशा हो गई थी, उसका क्या रूप हो गया था, क्या स्वरूप हो गया था, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, परेशान था। लोग उसको देखकर डरते थे, भागते थे, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पाते थे। ऐसा खूंखार इंसान प्रभु यीशु के जीवन में प्रवेश करते हैं। उसके अंदर जो अवधूतों की सेना थी उसको प्रभु यीशु ने दूर किया, उसको हटाया, वो मनुष्य स्वतंत्र हो गया, वो मौन हो गया, शांत हुआ, कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था और उसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। यीशु ने उसको स्वतंत्र किया। वही मनुष्य जो शांत स्वभाव का था, जो शालीन था, प्रभु का सानिध्य चाहता था, उसके अंदर अवधूतों की सेना आने से उसकी जिंदगी कैसे विकृत हो गई थी, वो कैसे कुरूपित हो गया था। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ वो मनुष्य एक जानवर की तरह जीवन जीता था, शैतान की तरह जीवन जीता था, लेकिन प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी प्रवेश करते हैं, हमारे जीवन में भी आ जाते हैं, यही हो जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिसकी जिंदगी में प्रभु के आने के बाद बाप रे सोच नहीं सकते हैं, आमूल परिवर्तन हुआ है। मैं आपके सामने बाइबल से कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण है यौहन अध्याय 4 का, समारी स्त्री का उदाहरण।
वचन में लिखा हुआ वो दोपहर को पानी भरने के लिए कुएं के पास गई, उस मरुप्रदेश में। सोचिए, पानी भरने के लिए दोपहर को गई। अक्सर औरतें किस समय पानी भरने के लिए जाया करती थी कुएं के पास? सुबह के समय, जब ठंडा होता है। वो दोपहर को क्यों जाया करती थी? क्योंकि वह नारियों की नजरों से बचना चाहती थी। उसकी जिंदगी पापमय थी, वो एक अकेले अलग दुनिया में जी रही थी। उसके बारे में वर्णन प्रभु यीशु स्वयं करते हैं, उसके 5 पति रह चुके थे और अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। अब मुझे बताइए कि आपने कभी अपनी जिंदगी में कैसे ऐसी नारी को देखा है जिसने 5 बार शादी की है? एक बार शादी हो जाती है, या तो पति मर जाता है या भाग जाता है, छोड़ देता है। दूसरी बार फिर शादी करती है, फिर पति या तो मर जाता है या तो छोड़ देता है। तीसरी बार फिर शादी करती है, या वो पति भी या तो मर जाता है या छोड़ देता है। इस तरह 5 बार उस नारी ने शादी की। अब उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी, आज वो एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी। उस नारी की अवस्था देखिए, यानी उस उम्र में भी वो वासना के चंगुल में थी। उसका शरीर वासना से परेशान था, वो प्यासी थी लैंगिक सुख के लिए। एक ऐसी नारी की मुलाकात यीशु से होती है। अब उसके बाद क्या हो जाता है हम जानते हैं। वो यीशु के पास आती है, या यीशु उसके इंतजार में रहते हैं। वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। धीरे धीरे प्रभु की कृपा उसकी ओर बहने लगती है। वो प्रभु के वचनों को सुनती है, प्रभु के सानिध्य का एहसास करती है। उसकी जिंदगी बदल जाती है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। यौहन अध्याय 8:34 में लिखा हो प्रभु यीशु कहते हैं, यौहन 8:34 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। लेकिन उसी अध्याय के 32 में प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस नारी ने यीशु को धीरे धीरे पहचाना। पहले उसने कहा कि आप यहूदी हैं, उसके बाद कहा कि लगता है कि आप नबी हैं, उसके बाद यीशु को वास्तव में पहचान लिया मसीह के रूप में। जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई, वैसे वैसे वो स्वतंत्र होती गई। कितनी मजेदार बातें बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु के सानिध्य में बैठकर या रहकर यीशु के वचनों को सुनकर यीशु की कृपा की सहायता से यीशु को पहचान लिया। जो ही यीशु को पहचान लिया, वो स्वतंत्र हो गए। वचन में लिखा हुआ उसने अपने घड़ा वहीं छोड़ दिया और गांव में चली गई लोगों को बताने के लिए, मैंने ऐसे एक मनुष्य को देखा जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है। देखिए कितना परिवर्तन आया। वो यीशु की संदेश वाहिका बन जाती है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। एक स्वतंत्र पक्षी की तरह वो गांव की ओर उड़ जाती है, भागती है। यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम पौलुस का उदाहरण लेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 22 और अध्याय 9 और अध्याय 8 में पौलुस के बारे में लिखा हुआ है, वो कितना क्रूर था, धर्मांध था। अपने धर्म को बचाने के लिए उसने मसीहियों को पकड़ पकड़ जेल में डलवा दिया, मरवा डाला। एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से अंधा हो गया था, धर्मांध हो गया था, कट्टर कठोर हृदय वाला। यीशु से मुलाकात होती है दमिश्क के मार्ग पर, उसके बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अत्याचार करने वाला अब अत्याचार सहने के लिए तैयार हो जाता है। यीशु से मिलने से क्या चमत्कार उसकी जिंदगी में हो जाता है। यीशु से मिलने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो एक महान संदेश वाहक बन जाता है। उसी तरह आप लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उठाइए, वहां पर जकेउस के बारे में बताया गया है। बार बार आप इनके बारे में सुनते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जकेउस बहुत धनी था, प्रमुख नाकेदार था, लेकिन नाटा था और पापी भी था। समाज ने उसको पापी ठहराया था,
क्योंकि वो पापमय जीवन जीता था, लोगों को धोखा देता था, ठगता था, लोगों से अनावश्यक कर वसूल करता था। एक ऐसा इंसान यीशु से मिलने के बाद कैसे बदल जाता है? वही इंसान जो धन बटोरने के लिए पाप का सहारा लिया करता था, यीशु से मिलने के बाद अब परिवर्तित हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, जिनको मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना लौटा दूंगा। क्या परिवर्तन है! यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में, कोलोसी अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और उस क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु ने संसार के हर आधिपत्य और अधिकार को हरा दिया। जकेउस के अंदर जो शैतान, जो आत्मा कार्य कर रही थी, जो लालच की आत्मा, जो सांसारिकता की आत्मा कार्य कर रही थी, यीशु से मिलने के बाद यीशु ने उसको पराजित कर दिया। लालच की आत्मा, सांसारिकता की आत्मा मिट गई, वो उदार बन गया, गरीबों के बारे में सोचने लगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 में संत पौलुस क्या कहते हैं? कोलोसी अध्याय 1 वाक्य 13 प्रभु यीशु के उस महान सामर्थ्य के बारे में बताते हैं, ईश्वर ने ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में ले आया, उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर ने अंधकार की अधीनता से निकालकर यीशु के राज्य में ले आया। पौलुस अंधेरे में था, वो अंधा था, समारी स्त्री अंधेरे में थी, वो एक तरह से अंधी बन गई थी, जके उस अंधेरे में था, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने उनको अपने राज में ले आया, प्रकाश के राज में, ज्योति के राज में। बोलिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हर मनुष्य पापी है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं। हम लोग स्वतंत्र नहीं है, अभी स्वतंत्र होना है। इतने सालों से मैं वचन सुनाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं अपने आप को, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अभी भी मुझे स्वतंत्र होना है। हम सभी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा कार्यरत है, क्रियाशील है। किसी के अंदर हो सकता है वासना की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है कि अहंकार की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है लालच की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है क्रोध की आत्मा हो, किसी के अंदर हो सकता है आलस्य की आत्मा हो, ईर्ष्या की आत्मा हो, जलन की आत्मा हो, पेटूपन की आत्मा हो। विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर क्रियाशील हैं, यह सत्य है। यही कारण है कि उस क्षेत्र में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सारे लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा लैंगिकता है, बहुत ज्यादा वासना के चंगुल में, वे छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वासना की आत्मा क्रियाशील है। द स्पिरिट ऑफ लस्ट इज ऑपरेटिंग थ्रू यू इन यू। हम सभी लोग ऐसे, और यही कारण है कि हमारा रूप बदल जाता है, विकृत हो जाता है। जरा सोचिए, जब आप क्रोध में आ जाते हैं, आपका चेहरा देखिए कैसा रहता है, कितना विकृत रहता है, हमारा स्वभाव कितना विकृत हो जाता है। अच्छे से अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। जब वासना आ जाती है, आप अंधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं ने हमें भी एक तरह से सता के रखा है, एक तरह से बंधन में रखा है। यह बंधन है, यह बाधा है, और इन बंधनों से हमें आजादी पाना जरूरी है। आज हमें इस बात का ख्याल करना है कि मेरे अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा कार्यरत है, क्रियाशील है। जो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर क्रियाशील है, उस दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा पाना आवश्यक है। जब मैं छुटकारा पाऊंगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं मुस्कुराने लगूंगा, मैं हंसने लगूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं
जो विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माओं के वश में पड़ने के बाद कितने उदास हो जाते हैं, कितने निराश हो जाते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन जब येसु के पास आ जाते हैं, येसु से प्रार्थना करते हैं, येसु के अधीन हो जाते हैं, वे स्वतंत्र हो जाते हैं, कितने खुलकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आजाद हैं। प्रभु येसु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु अपने शिष्यों को एक शिक्षा दे रहे थे, आकाश के पक्षियों की तरह स्वतंत्र होना सीखो, गाना सीखो। सवाल ही खड़ा होगा कि हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर येसु हमें स्वतंत्र कर सकते हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? मैं आपके सामने तीन चार बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले येसु के पास आना। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु येसु कहते, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। येसु के पास जाना, ध्यान से सुनना प्लीज, मैंने नहीं कहा चर्च जाना, मैंने नहीं कहा मोमबत्ती जलाना, येसु के पास आना, व्यक्तिगत प्रार्थना में येसु के करीब आना, येसु के सानिध्य में आना। हमारे आश्रम में एक प्रार्थना भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन, चमत्कार की जगह है। जब लोग इस तरह परेशान रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से वासना हर प्रकार की समस्या से बंधन में है, मैं उनसे कहता हूं कि आप दर्शन भवन में आना, 2 घंटे कम से कम प्रार्थना में बैठना, वहां स्तुति चल रही है, स्तुति में करते प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाना। मैं आपसे कहता हूं असंख्य लोग दर्शन भवन में प्रभु के सानिध्य में बैठकर स्वतंत्र हुए हैं, असंख्य लोग। हम में से अधिकतर लोगों की बुरी आदत है लोगों के पास जाने की आदत है। ठीक है बाबा, मैं जानता हूं आप अपने दिल के दुख को बताना चाहते हैं, बताइए, लेकिन यह मत सोचिए कि फलाने के पास मेरी समस्या का समाधान है। हो सकता है उसके अंदर कई कृपाएं हो सकती हैं, चंगाई की कृपा हो सकती है, लेकिन उद्धार की कृपा उसके पास नहीं है, उद्धार येसु के ही पास है। चंगाई किसी से मिल सकती है, लेकिन उद्धार येसु के ही पास है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं प्रभु के पास आना। दूसरी बात, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, हो सके तो एक अच्छा पाप स्वीकार करना। जब आप पाप स्वीकार करने लगते हैं, अपनी जिंदगी के हर पाप को, छिपे हुए पापों को भी एक एक करके बाहर लाते हैं, तो बंधन खुलते जाते हैं। जब आप पाप स्वीकार करते हैं, अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, उस दुष्ट आत्मा को ही आप बाहर कर रहे हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास है, आप उसके दास बनकर पाप करते जा रहे हैं। पाप को निकालेंगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। एक अच्छा पाप स्वीकार करना। अब मैं जानता हूं इस समय लॉकडाउन का समय है, पाप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छी तरह कागज पे लिखिए, एक एक बात को लिखिए और प्रभु के सामने रखिए। कृपा धारा बहुत अच्छी प्रार्थना है, शाम के रात के समय बैठिए प्रभु के सामने और अपने सारे पापों के लिए प्रभु के सामने रोइए। उसके बाद उस कागज को अच्छी तरह फाड़ के फेंकिए, जला दीजिए। अपने पापों को स्वीकार करना दूसरी बात। तीसरा है प्रभु का वचन सुनना। प्रभु येसु ने स्वयं कहा यौहन अध्याय 15 वाक्य 3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु के वचनों को सुनने से आप शुद्ध होते जाते हैं, न केवल आपका मन, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। प्रभु के वचनों को सुनिए या पढ़िए, जितना प्रभु के वचनों को पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपका मन, हृदय, आत्मा, शरीर शुद्ध होते जाएंगे, आप स्वतंत्र होते जाएंगे। यही कारण है जब वचन की सेवा होती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, उस भीड़ में कितने लोगों को छुटकारा मिल जाता है। कैसे छुटकारा मिल जाता है? जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है, लोग प्रभु के वचनों को सुनते जाते हैं, तो वो पवित्र वचन उनके अंदर कार्य करता है और उनको स्वतंत्र कर देता है। आप पढ़ेंगे याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में याकूब लिखते हैं, इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक
ईश्वर का वो वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं को उद्धार करने में समर्थ है। याकूब कहते हैं, अपनी सारी मलिनता दूर करके ईमानदारी के साथ प्रभु के उस वचन को स्वीकार करें जो आपकी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। तो पवित्र वचन सुनने से आपको छुटकारा मिल जाता है, आजादी मिल जाती है। पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालिए। एक भाई ने, शायद मैंने आपसे कहा, मंगलूर शहर में, कर्नाटक के मंगलूर शहर में बहुत बड़ी सभा हो रही थी, काफ़ी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। एक भाई ने पब्लिसिटी में मेरी तस्वीर देखा और वो मुझसे मिलने के लिए आए जहाँ पे मैं रुका हुआ था। कमरे में आते समय उन्होंने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैंने पूछे, क्या बात है, पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सेना में था, मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। मैं बहुत शराब पीता था, घर आने के बाद भी बहुत शराब पीता था। इसके बाद, घर आने के बाद मैं नारियों के पीछे भी जाता था, गंदा गंदा कार्य करता था, रिश्ता रखता था, फ़ोन के द्वारा बहुत गंदी गंदी बातें करता था। एक बार मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब में आपका प्रवचन देखा, उस पर प्रभु येसु की क्रूस था, पुनर्जीवित येसु दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने उस वचन को सुनना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके सारे प्रवचनों को अपने मोबाइल में अपलोड कर दिया। उन्होंने स्वयं दिखाए मुझे सारे प्रवचन और उन्होंने कहा कि मैं उसको निरंतर सुनता हूँ कान में हेडफोन लगाकर। आप विश्वास करेंगे, पिछले एक साल से मेरे मुंह में एक बूंद दारू भी नहीं गया है। मैं किसी नारी के पीछे नहीं जाता हूं। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, इस बात को समझना आप लोग, क्योंकि कई लोगों में अंधविश्वास ज्यादा है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, अच्छा बाबा, वो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए। लेकिन पवित्र वचन को सुनो। जब आप पवित्र वचन को पूरा मन लगाकर सुनेंगे, पवित्र वचन आपके अंदर कार्य करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है प्रभु की स्तुति करना। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्तुति के द्वारा बहुत छुटकारा मिल जाता है, आजादी मिल जाती है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र, उसके अध्याय 13 वाक्य 15 में, इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। अपने होंठों से निरंतर प्रभु की स्तुति करते जाइए। आप जितना प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा। दर्शन भवन में बैठकर मैं लोगों से कहता हूं, तुमको ये काम करना है, प्रभु के सामने बैठना है, निरंतर प्रभु की स्तुति करना है। बोलते मेरी समस्या क्या क्या होगा, मैंने कहा समस्या का निदान हो जाएगा, बैठो प्रभु के सामने, स्तुति करते जाओ। सैकड़ों अबदूतग्रस्त लोगों को हमारे दर्शन भवन में स्तुति के द्वारा छुटकारा मिला है। प्रभु की स्तुति करते जाते हैं, उनको छुटकारा मिल जाता है। आप जानते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में आप पढ़ते हैं वाक्य 25 से, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 से हम पढ़ते हैं, फिलिपी में जेल में पड़े हुए थे पौलुस और सीलस, रात के समय वे क्या कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और जितने लोग उस जेल में पड़े थे सबने सुना। नतीजा क्या हुआ, वचन में लिखा हुआ है, सबकी जंजीरें ढीली पड़ गईं और दरवाजे खुल गए। एक जबरदस्त प्रतीक है, जब आप प्रभु की स्तुति करने लगते हैं सारी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आश्रम में मई महीने में आंतरिक चंगाई की साधना होती थी, दो साधनाएं आजकल नहीं हो पा रही हैं। उस साधना के दौरान मैं लोगों को बहुत ज्यादा स्तुति कराता हूं। जब वे बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं, स्तुति करते 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 उनके अंदर जो नकारात्मक बातें बाहर आ जाती हैं, वे जिन बंधनों में, उन सारे बंधनों से वे बाहर आ जाते हैं, डर का बंधन, दोष भावना का बंधन, हीन भावना का बंधन, अलग अलग प्रकार के बंधनों से वे छुटकारा पाकर बाहर आ जाते हैं। तो इन प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के सामने आना और प्रभु की स्तुति करते जाना।
जितना प्रभु की स्तुति करते जाएंगे उतना आप स्वतंत्र होते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहली बात यह है कि हमें यह जानना है कि मेरे अंदर विभिन्न प्रकार की बाधाएं और बंधन हैं, मेरे अंदर अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं क्रियाशील हैं। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। या दूसरे के अंदर भी हो सकता है, मेरी बेटी के अंदर, मेरे बेटे के अंदर, मेरे पति के अंदर, पत्नी के अंदर। उस दुष्टात्मा से छुटकारे के लिए हमें यीशु के पास जाना है, विश्वास करना है कि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। वे ही वास्तव में हमारे बंधनों से हमें आजाद करने वाले एकमात्र मुक्तिदाता हैं। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को लाएंगे। मैंने सारी बातें खोल के आपके सामने रखा है, इसका पालन कीजिए। हमें स्वतंत्र होना है। प्रभु यीशु इस दुनिया में हमारे पापों के दाग मिटाने नहीं आए, रबर लेके नहीं आए दाग मिटाने के लिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें चंगा करने नहीं आए, डॉक्टर बन के नहीं आए हैं। क्या फायदा, आप शारीरिक रूप से चंगे हैं लेकिन आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रभु यीशु हमें उद्धार देने आए हैं। कान खोल कर सुनिएगा, कई लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, उद्धार के लिए प्रार्थना करो। अगर आपको और आपके परिवार को उद्धार मिल जाएगा तो वहां पे इस तरह की बातें नहीं आएंगी। तो हमें बंधनों से आजाद होना है, हमें छुटकारा पाना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रवचन के बारे में, इस सत्संग के बारे में बहुत सारे लोगों को फोन के द्वारा बताएंगे, उनको भी वचन सुनने दीजिए, उनको भी आज के दिन प्रभु की कृपाओं का एहसास करने दीजिए। यीशु इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में आए हैं, यीशु इस संसार में हमें अनंत जीवन के लायक बनाने के लिए आए हैं, यीशु इस संसार में हमें उद्धार देने आए हैं, स्वतंत्र करने आए हैं। जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं मृत्यु के बाद नहीं, यहीं से, यहीं पर हमें मुक्ति का एहसास करना है, यहीं पर हमें अनंत जीवन का एहसास करना है, यहीं पर हमें प्रभु की कृपा का एहसास करना है। प्रतिदिन प्रभु के पास आकर, प्रभु के वचनों को सुनकर, उनकी स्तुति करते हुए हम स्वतंत्र होते जाएं, आजाद होते जाएं, ताकि हम इस संसार में तारों की तरह चमकेंगे, ताकि हम दूसरों के लिए सुसमाचार बन जाएंगे, ताकि हम दूसरों को प्रभु के पास लेके आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं इस समय स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर कई प्रकार के बंधन हैं, मैं धसा हूं, फंसा हूं, अटका हूं। मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही एकमात्र है जो मुझे स्वतंत्र कर सकता है, क्योंकि तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हे यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, हमें स्वतंत्र करना है यीशु। हे मुक्तिदाता, हमें स्वतंत्र करना, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, आकाश के पक्षियों की तरह खुले आसमान पर उड़ना चाहते हैं।